गाइस कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी की एक और ब्रांड न्यू MIUI 11 के टॉप 3 बेस्ट सीक्रेट अमेजिंग थीम के वीडियो सीरीज के ऊपर। एंड गाइस इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ टॉप 3 बेस्ट क्वालिटी अमेजिंग फ्यूचरिस्टिक थीम, जिनमें से कोई भी थीम को अगर आप अपने Xiaomi डिवाइस पे एक बार अप्लाई करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके जो Xiaomi डिवाइस के लुक है ये पूरे चेंज करके रख देगा। सो भी चलिए देखते हैं कौन सा है थीम, कैसा है थीम का परफॉर्मेंस एंड कस्टमाइजेशन इस वीडियो पर। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस इस वीडियो पे लाइक टैग टकते 1000 लाइक्स का, तो फटाफट से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दो, क्योंकि आपके जो एक लाइक है उससे मेरे को नेक्स्ट वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन एंड खुशी मिलता है। एंड आप सभी को पता ही होगा कि एक वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है, तो प्लीज गाइस एक लाइक कर देना। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते गाइस। हमारे लिस्ट पे मैंने जो फर्स्ट थीम को इंक्लूड या ऐड किया है आप सबके लिए, सिंपली उस थीम का नाम है फ्यूचर डिजाइन। सो अगर आप अपने MIUI 11 डिवाइस के लिए सर्च करो एक परफेक्ट मिनिमल एनिमेटेड थीम, सो आप इस थीम को डेफिनेटली एक बार ट्राई आउट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इस थीम को अप्लाई करते हो एंड देन देखते हो इसके होम स्क्रीन के लुक को, तो इसका जो आपको होम स्क्रीन के लुक देखने को मिल जाता है वो थोड़ा थोड़ा iOS से इंस्पायर्ड है। अगर आप देखोगे इस थीम के आइगन पैक को, तो इसका जो आपको आइगन पैक देखने को मिल जाता है वो काफी ज्यादा मिनिमलिस्टिक और क्लीन एंड बोल्ड टाइप के आपको यहाँ पर आइगन पैक देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर जो आपको आइगन पैक देखने को मिल जाते हो, आपको यहाँ पर फुल एनिमेटेड आइकन पैक देखने को मिल जाता है, जो यहाँ पर देखने में काफी ज्यादा बेहतरीन लगता है। एंड आपको होम स्क्रीन पे जो क्लॉक विजिट देखने को मिल जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हो iOS 14 के लेटेस्ट क्लॉक विजिट देखने को मिल जाता है, जो यहाँ पर होम स्क्रीन के साथ काफी अच्छे तरीके से मैच कर रहा है। एंड ये जो विजिट है ये भी आपको पूरे एनिमेटेड देखने को मिल जाता है। एंड अगर आप देखोगे इस थीम के नोटिफिकेशन पैनल या स्टेटस बार को, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसके जो आपको स्टेटस बार देखने को मिल जाता है, आपको यहाँ पर व्हाइट वॉश मिनिमलिस्टिक आपको यहाँ पर स्टेटस बार देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आप डार्क मोड को ऑन करोगे तो आपका जो स्टेटस बार के लुक है कुछ आपको इस तरीके का देखने को मिल जाता है। एंड अगर आप देखते हो इसके फुल स्क्रीन जेस्चर के एनिमेशन को, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये भी काफी ज्यादा कलरफुल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एंड अगर आप जाते हो इसके कॉलिंग स्क्रीन पे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कॉलिंग स्क्रीन पे आपको अभी तो ज्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, पर इसके डेवलपर से मेरा बात हुआ है, उन्होंने बोला है बहुत ही जल्दी एक अपडेट रिलीज करेगा जिनमें आपका कॉलिंग स्क्रीन एंड बहुत सारे एनिमेशन को उन लोग ऐड करने वाले हैं। तो आप 2 से 3 दिन वेट कर लेना, आपको बहुत ही जल्दी एक इस थीम का अपडेट देखने को मिल जाएगा। देन अगर आप जाते हो सिंपली इस थीम के लॉक स्क्रीन पे, तो इसका जो आपको लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाता है काफी ज्यादा क्लीन और मिनिमलिस्टिक टाइप का आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाता है। एंड अगर आप लॉक स्क्रीन पे लेफ्ट टू राइट स्वाइप करोगे तो आपको यहाँ पर एक डिफॉल्ट म्यूजिक प्लेयर भी देखने को मिल जाता है। नाउ गाइस अब बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट के नेक्स्ट थीम के बारे में। सो इस थीम का नाम है मीमिक्स अल्फा। एंड ये जो थीम आपको देखने को मिल जाता है ये थीम पूरा आपको मीमिक्स अल्फा से इंस्पायर्ड है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस थीम के मेन कस्टमाइजेशन के बारे में, जो कि आपको देखने को मिल जाता है लॉक स्क्रीन पर। सो अगर आप यहाँ पर लॉक स्क्रीन को फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो लॉक स्क्रीन आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बैकग्राउंड पे आपको डिफॉल्ट मीमिक्स अल्फा के लाइव एनिमेटेड वॉलपेपर देखने को मिल जाता है। एंड अगर आप यहाँ पर क्लॉक इंटरफेस पे डबल टैप करोगे तो आप यहाँ पर क्लॉक इंटरफेस को चेंज भी कर सकते हो। एंड अगर आप यहाँ पर सेटिंग्स बटन पे टैप करते हो तो आपको यहाँ पर 2 टाइप ऑफ लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाता है। आपको जो भी लॉक स्क्रीन के प्रीसेट को एज ए डिफॉल्ट लॉक स्क्रीन सेट करना होगा, सिंपली आपको उस पर टैप करके ओके कर देना होगा एंड देन वो सेट हो जाएगा। एंड लॉक स्क्रीन जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है ये पूरा एनिमेटेड लॉक स्क्रीन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एंड आप जब अपने फोन को चार्ज पे लगाओगे तो इसका जो आपको चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिल जाता है वो भी पूरा मीमिक्स अल्फा के ओरिजिनल चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। एंड ये जो चार्जिंग एनिमेशन की क्वालिटी है, आपको पूरे हाई क्वालिटी के डायनामिक चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिल जाता है। एंड गाइस अब बात कर लेते हैं इस थीम के होम स्क्रीन के बारे में। सो अगर आप देखते हो इस थीम के होम स्क्रीन को, तो होम स्क्रीन के जो लुक है आपको कुछ इस तरीके का होम स्क्रीन के लुक देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आप देखते हो सिंपली इस थीम के आइकन पैक को, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसके जो आपको आइकन पैक देखने को मिल जाते हैं वो भी पूरा सेम टू सेम कॉपीड मीमिक्स अल्फा के आपको यहाँ पर आइकन पैक देखने को मिल जाता है। देन अगर आप यहाँ पर देखते हो इस थीम के स्टेटस बार या नोटिफिकेशन पैनल को, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसके जो आपको स्टेटस बार देखने को मिल जाएगा वो आपको यहाँ पर पूरे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ काफी बेहतरीन आपको यहाँ पर एक मटेरियल टाइप का आपको यहाँ पर स्टेटस बार को दिया गया है। एंड अगर आप जाते हो सिंपली इस थीम के कॉलिंग स्क्रीन पे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसके कॉलिंग स्क्रीन पे तो ज्यादा खास चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, MIUI 11 के आपको कॉलिंग स्क्रीन देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट के थर्ड नंबर के थीम के बारे में। सो इस थीम का नाम है डोरेमोन नोबिता। सबसे पहले मैं आप सबको एक बात बताता हूँ, ये जो थीम है गाइस ये मेरे लिस्ट के वन ऑफ द बेस्ट एंड मेरे फेवरेट थीम है, मैं इसे हर टाइम यूज करता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखते हो सिंपली इस थीम के होम स्क्रीन के लुक को, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसके जो आपको होम स्क्रीन के लुक देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके का मिनिमलिस्टिक एंड फ्यूचरिस्टिक टाइप का आपको यहाँ पर होम स्क्रीन के लुक देखने को मिल जाता है। एंड अगर आप देखते हो इसके आइकन पैक को, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसके जो आपको आइकन पैक देखने को मिल जाता है वो भी काफी ज्यादा मिनिमलिस्टिक और काफी ज्यादा कलर फुल आपको यहाँ पर आइकन पैक देखने को मिल जाता है, जो इस वॉलपेपर के साथ काफी ज्यादा परफेक्ट मैच कर रहा है। एंड अगर आप
देखते हो सिंपली इस थीम के नोटिफिकेशन पैनल या स्टेटस बार को, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसके जो आपको नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिल जाता है डोरेमोन के वॉलपेपर के साथ काफी परफेक्ट मैच कर रहा है। एंड जो इसके कलर कॉम्बिनेशन है वो भी काफी बढ़िया है। एंड अगर आप जाते हो सिंपली इस थीम के कॉलिंग स्क्रीन पे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसके जो कॉलिंग स्क्रीन के कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाते हो पूरे ब्लू कलर के साथ डोरेमोन के नेम के साथ, काफी बढ़िया एंड काफी अच्छी तरीके से कस्टमाइज किया गया है। सो इस थीम को अप्लाई करने के बाद अगर आप जाते हो सेटिंग्स पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसके जो आपको सेटिंग्स टैब के बैकग्राउंड देखने को मिल जाते हैं वो भी पूरे डोरेमोन एंड नोबिता के बैकग्राउंड देखने को मिल जाता है। और अगर आप देखते हो सिंपली इस थीम के रिसेंट टास्क बार को, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसके जो रिसेंट टास्क बार है वो भी पूरे फुल्ली मोडेड एंड कस्टमाइजेबल वाला आपको रिसेंट टास्क बार देखने को मिल जाता है। अब गाइस हम लोग चलते हैं इस थीम के लॉक स्क्रीन पर। सो अगर आप जाते हो इस थीम के लॉक स्क्रीन पे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसके जो लॉक स्क्रीन आपको देखने को मिल जाते हैं डोरेमोन के वॉलपेपर के साथ लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पर डोरेमोन के फ्रेंड्स कॉलिंग बेल पे टैप करोगे, तो आप यहाँ पर होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन के क्लॉक को कस्टमाइज एंड मॉडिफाई कर सकते हो। एंड अगर आप यहाँ पर फाइंड मोर सेटिंग्स पे टैप करोगे, तो आप यहाँ पर लॉक स्क्रीन एंड होम स्क्रीन के सेटअप को पूरे मॉडिफाई एंड कस्टमाइज कर सकते हो। सो मैं अगर मेरे पर्सनल बात करूँ, तो डोरेमोन मेरा वन ऑफ द बेस्ट एंड फेवरेट कार्टून है। मेरे को अभी भी जब टाइम मिलता है मैं अभी भी डोरेमोन को देखता हूँ। सो अगर आपके भी फेवरेट कार्टून डोरेमोन है, तो आप इस थीम को एक बार डेफिनेटली डोरेमोन के लिए ट्राई जरूर से करना, आपको ये थीम बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। सो अभी जाके कमेंट आप जरूर से करना कि आपको ये टॉप 3 थीमों में से कौन सा थीम बेस्ट लगा एंड कौन से थीम को अभी आप अप्लाई करने वाले हो, एंड नेक्स्ट एपिसोड पे किस तरीके का थीम आप देखना पसंद करोगे, ये भी कमेंट करके मुझे जरूर से बता देना। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।